Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. Topic जो आज हम discuss करने वाले हैं, that is what happened to the shifting cultivators. हमें पता है कि Tribals ने बहुत सारे तरीके से अपनी आजीविका निभाने के लिए कल्टीवेशन, हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग शुरू कर दिए थे. कुछ सेटलर्स हर्डर्स बन गए थे, कुछ सेटलर्स सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन गए थे. बात अब आती है कि व्हाट हैपेंड टू दोज ट्राइबल्स जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव करके कल्टीवेशन करते थे. उनके बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. जानने के लिए प्लीज इस प्लेलिस्ट पे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखिएगा. नाउ व्हाट हैपेंड टू देम, एक्चुअली ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली अनकंफर्टेबल विद दीज ग्रुप्स ऑफ मूविंग पीपल. व्हाई वर दे सो अनकंफर्टेबल? जो लोग एक जगह नहीं टिकते थे, एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव पे रहते थे, उनसे ब्रिटिशर्स क्यों इतने अनकंफर्टेबल थे? सो देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये ट्राइबल्स भी एक जगह सेटल हो जाए, सेटलमेंट्स बनाए रहें, कल्टीवेशन करें. क्योंकि अगर ये कल्टीवेशन करेंगे तो दो चीज़ें मिलेगी. पहली चीज़, एक जगह सेटल होने से इनको कंट्रोल और एडमिनिस्टर करना बहुत इजी होगा. कभी देखना जूनियर क्लासेस में टीचर्स कीप ऑन यू नो लाइक रनिंग अराउंड किड्स. कोई आपके घरों में अगर दो या तीन छोटे बच्चे मिल जाते हैं, सो इट बिकम्स रियली हार्ड टू कंट्रोल देम. यू नो दे जस्ट कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर. या आपके घरों में पेट्स होंगे तो आप समझ सकते हैं. लेकिन अगर एक जगह एक ग्रुप में सेटल कर दिया जाए, देन इट बिकम्स क्वाइट ईजी. ग्राउंड में टीचर बच्चों को कंट्रोल उतना नहीं कर पाती जितना एक क्लासरूम के अंदर. ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी यहाँ बिल्कुल सूटेबली अप्लाई हो रही थी. इधर उधर घूमने वाले जो ये ग्रुप्स हैं, इनको एक जगह सेटल कर दो. इट वुड बी वेरी मच ईजियर टू कंट्रोल देम एज वेल एज एडमिनिस्टर देम. एंड द सेकेंड थिंग, सेकेंड बेनिफिट जो ब्रिटिशर्स को मिलेगा वो ये है, भाई लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे तो रेवेन्यू मिलने लग जाएगा इन लोगों से. सो दिस वॉज द हिडन ट्रुथ बिहाइंड दीज दिस अनकम्फर्टेबलनेस ऑफ ब्रिटिशर्स. यू नो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा लैंड सेटलमेंट. अब इस चीज से उबरने के लिए ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया. इसके अंदर हुआ ये था दैट दे स्टार्टेड मेजरिंग लैंड, दे स्टार्टेड गिविंग मतलब राइट्स ऑफ द लैंड टू इंडिविजुअल पीपल. एंड उस लैंड के ऊपर इन लोगों ने रेवेन्यू लेना शुरू करा. सम पीपल वर मेड यू नो लाइक लैंड ऑनर्स, काफ़ी हद तक उनको पूरी ज़मीनें दे दी. कुछ लोग जो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे या ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे रेंट रिकवरी नहीं कर सकते थे, उनको बना दिया टेनेंट्स जो इन लैंड ओनर्स की लैंड पे काम करेंगे. इनको कुछ पैसा मिलेगा, लैंड ओनर को भी पैसा मिलेगा जो प्रोड्यूस होगी, उसके बाद में वो रेवेन्यू पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इस तरीके के सिस्टम इन्वेंट किए गए थे. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये झूम कल्टीवेशन करने वाले, झूम मतलब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग एक जगह सेटल होके कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे. झूम कल्टीवेशन में जो क्रॉप उगते हैं दे आर सूटेबल फॉर लैंड दैट हैव एडिक्वेट वाटर एंड ऑल. इस तरीके से ये लोग जहां पानी की अधिकायत होगी, जहां पे वाटर इरिगेशन वगैरह अच्छा रहेगा, वहां पे आप झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो. रिमेंबर झूम कल्टीवेशन में एक लैंड को एक हार्वेस्ट के बाद में कई सालों के लिए फैलो मतलब छोड़ दिया जाता था ताकि नेचुरल वे में उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो जाए. लेकिन यहां आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप झूम कल्टीवेशन करने वाले लोगों को एक ही जमीन पे कल्टीवेशन करवाए जा रहे हैं. धीरे धीरे उस लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाएगी और वहां पे जो प्रोड्यूस या हार्वेस्ट निकल रही है दैट विल रिड्यूस. सो जाहिर बात है ये ड्राई सॉइल और एरिड कंडीशन में इतनी कल्टीवेशन नहीं होगी. नाउ सम झूम कल्टीवेटर्स स्टार्टेड रिवोल्टिंग. They started protesting by, because of this thing, especially northeast
इंडिया में जो झूम कल्टीवेशन की जो कम्युनिटीज थी, दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड टू डिमांड शिफ्टेंस टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं. काफ़ी प्रोटेस्ट उठे थे, काफ़ी चेंजेस आने लगे थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रियली यू नो फाइंडिंग इट हार्ड टू कंट्रोल देम. तो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, कुछ एरियाज में इंडिया के झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फिर से रिन्यू करवाया गया, रीस्टैब्लिश करवाया गया. पीपल वर नाउ फ्री टू गो अहेड एंड कल्टीवेट ऑन वेरियस पैचेस ऑफ लैंड एंड गवर्नेंस वॉज मेड, सम शिफ्टेंस वॉज डन इन द गवर्नेंस, बट डेफिनेटली नॉट इन होल इंडिया दोस्तों. सो आई होप नाउ यू गेट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.